दोस्तों नमस्कार। आज अपने बात करेंगे वर्ब के कुछ और क्वेश्चंस की। पिछली क्लास में हमने देखे वर्ब के कुछ एरर के क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। आज हम सारे के सारे जो हैं कॉमन एरर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। कॉमन एरर के इन क्वेश्चंस में क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है और क्या रूल लगता है, इन सारी बातों को आज अपने इस क्लास में जानने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, I am really very sorry to learn that a reasonable man like you has lent to me. Students, मैंने ये क्वेश्चन कल भी आपको बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था। अगर कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा तो यहाँ होगा कि ये जो लेन है, देखो यहाँ लेन, इस लेन में गड़बड़ हो सकती है। कई स्टूडेंट्स को यहाँ ये कहानी समझ में नहीं आई कि ये लेन जो है ये कैसे है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दो वर्ब याद करनी पड़ेगी। दो क्या, मैं तो कहूंगा कि एक, जैसे एल आई ई, लाई। लाई एक वर्ब है जिसके दो अर्थ होते हैं, एक तो झूठ बोलना, एक इसका अर्थ क्या होता है, झूठ बोलना, टेलिंग ए लाई अपने जैसे बोलते हैं। और एक लाई का अर्थ होता है लेटना। झूठ बोलना और लेटना दो अर्थ होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करें ना, तो झूठ बोलना की जो सेकंड फॉर्म है वो होती है लाइड, एल आई ई डी, और लेटना की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ले, एल ए वाई। और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है लाइड, सॉरी एल आई ई डी, लाइड। और इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेन। कहने का अर्थ यह है कि लाई के दो अर्थ होते हैं, झूठ बोलना और लेटना। सेकंड फॉर्म झूठ बोलने की तो होती है लाइड, और थर्ड फॉर्म होती है लाइड, जबकि लेटने की होती है ले और लेन। यहां पर बात झूठ बोलने की हो रही है, लेटने की नहीं हो रही, इसलिए यहां पर हमने देखा कि हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, लाइड। इसलिए यहां पर गलती ये है कि लेन नहीं होगा, लाइड होगा। लेन थर्ड फॉर्म लाई की तो है, बट लाई का अर्थ लेटना होता है। हमारे को यहां पर सेंटेंस में अर्थ देना है झूठ बोलने का। ये कह रहा है आई एम वेरी सॉरी टू लर्न दैट, मुझे बहुत दुख हुआ यह जानकर, दैट अ रीजनेबल मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी, हैज लेन टू मी, मुझसे झूठ बोल चुका है। तो झूठ बोल चुकने की बात है, इसलिए लेन का प्रयोग नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहां पर प्रयोग होगा किसका, लाइड का, क्योंकि ले का अर्थ झूठ बोलना है, लाइड, लाइड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती हैं। अगर लाई का अर्थ लेटना है तो ले और लेन इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। तो यहां पर ये इस टाइप की एरर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है, द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्ज ब्रॉट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग बिकॉज द चार्ज ब्रॉट हिम आर वेरी सीरियस एंड नो एरर। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के मैंने चार पार्ट किए हैं, आपको इस सेंटेंस में उस पार्ट को ढूंढना है जिसमें एरर है। जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें तो इसके सी पार्ट में एरर है, इसलिए यहां पर तो आंसर क्या बना था, हमारा आंसर बना था सी पहले वाले में। अब इसी टाइप इस सेंटेंस में कहां एरर है, अगर आपको लगता है यहां से लेके यहां तक एरर है तो आंसर ए है, यहां से लेके यहां तक लगता है कोई एरर है तो आंसर बी है, यहां से लेके यहां लगता है तो आंसर सी है, यहां तक सी है, और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है तो आपका आंसर डी है। तो चाहे एनडीए एयरफोर्स नेवी की एग्जाम हो, चाहे बैंक एसएससी का एग्जाम हो, सीपीएसई का एग्जाम हो, अब जो पटवार का एग्जाम आने वाला है उसमें भी कॉमन एरर के क्वेश्चन होंगे, कोई भी एग्जाम हो जहां कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं तो वो इसी टाइप के आते हैं। और वर्तमान में अभी अपने इस क्लास में सिर्फ वर्ब से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जिस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है वहां पर उत्तर लास्ट वाला बनता है नो एरर, और जैसे ही किसी पार्ट में एरर होगी तो उसी पार्ट में वो आंसर माना जाएगा। ए पार्ट में एरर है तो आंसर ए, बी पार्ट में एरर है तो आंसर बी, सी पार्ट में एरर है तो आंसर सी, और डी पार्ट में, मतलब किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आंसर होगा नो एरर।
तो इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें क्या एरर हो सकता है, आप देखिए। स्टूडेंट्स यहां पर भी इसी टाइप की कोई गलती है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। स्टूडेंट जैसे होता है एच ए एन जी हैंग, हैंग का अर्थ क्या होता है, एक तो होता है लटकाना और एक होता है फांसी देना। एक तो होता है लटकाना, ये जैसे कोई वस्तु अपने किसी कील पर टांगते हैं, खूंटी पर टांगते हैं, टांगना कह सकते हो आप, लटकाना टांगना। कोई चीज, कोई कपड़ा, कोई भी वस्तु किसी कील पर या खूंटी पर लटकाते हैं तो वो लटकाना। और एक हंग का अर्थ होता है, हैंग का अर्थ होता है फांसी देना। वैसे फांसी देने में भी किसी आदमी को लटकाते ही हैं, बट फांसी देना और लटकाना दोनों इसके अर्थ होते हैं। अगर किसी वस्तु को लटकाने की बात हो रही है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हंग, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हंग, हैंग, हंग, हंग। अगर ये किसी वस्तु की बात हो रही है, याद रखना किसी वस्तु की बात हो रही है तब ऐसा होता है, और अगर फांसी देना अर्थ है, हैंग का अर्थ होता है फांसी देना, तब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बन जाती है, तब इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है हैंग्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाती है, हैंग्ड। ये दो फॉर्म हो जाती हैं इसकी। अब यहां पर क्रिमिनल की बात हो रही है तो निश्चित रूप से उसको फांसी पे लटकाने की बात की जा रही है, कोई वस्तु नहीं है क्रिमिनल। इसका मतलब जो यहां पर हंग दे रखा है ये तो किसके लिए होता है, वस्तुओं के लिए होता है। ये तो ये देखो यहां वस्तुओं के लिए होता है, व्यक्ति के लिए बात हो रही है तो फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए और इसका प्रयोग होना चाहिए हैंग्ड। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर होगा कि यहां पर हैंग्ड आना चाहिए। ये हंग जो होता है ये वस्तुओं के लिए होता है और जो व्यक्ति होगा उसके लिए हैंग्ड होगा। बाकी बेस वर्ब की बात करें तो ये सेम ही है, जैसे कि यहाँ आ रहा था देखो लाई, लाई के दो अर्थ हो रहे थे लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है दोनों की अलग अलग है, वैसे ही हैंग के साथ भी ऐसा है। या किसी पर्सन की बात हो रही है तो इसलिए ये हंग नहीं आना चाहिए, वस्तुओं के लिए होता है। यहाँ पर आंसर हुआ, एरर हुई बी पार्ट में, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर दो का आंसर है वो है स्टूडेंट्स आंसर बी। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी बात, फिर भी नहीं आती है बात समझ में तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और मैसेज कीजिए कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो उसको रिपीट कर दिया जाएगा या किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ यू अपोलोगाइज फॉर हैविंग फेल इन कीपिंग योर प्रोमिसेस योर फ्रेंड विल गिव यू बी श्योर नो एरर। तो इस सेंटेंस में क्या एरर लगती है आपको, पहले आप अपना दिमाग लगाएं फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है ना एरर मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, यहां पर मिस्टेक है पार्टिसिपल से रिलेटेड। पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल तीन होते हैं, पहले भी बता चुका हूं मैं कि पार्टिसिपल तीन होते हैं, एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। अब देखो पूरे सेंटेंस में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रहने दो, आप तो यहां देखो हैविंग आ रहा है तो हमें पता है हैविंग के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और यहां पर क्या दे रहा है, फर्स्ट फॉर्म दे रहा है फेल, तो ये गलत है। यहाँ पर यहीं से पता चल रहा है कि सेंटेंस गलत है, इसको क्या होना चाहिए था, फेल्ड। तो यहाँ पर होगा इफ यू अपोलोगाइज फॉर हैविंग फेल्ड इन कीपिंग योर प्रोमिसेस योर फ्रेंड विल फॉरगिव यू बी श्योर। तो यहाँ पर हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होना चाहिए था, इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, इसलिए अगर हमें क्वेश्चन थर्ड का आंसर देना हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बी आंसर होगा यहाँ, क्योंकि हैविंग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्टूडेंट्स प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर एरर हुई बी पार्ट में।
तो याद रखना कि ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो लाई जिसका अर्थ होता है झूठ बोलना, दो अर्थ होते हैं लेटना और झूठ बोलना, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों की अलग अलग है। लाइड लाइड ये झूठ बोलने की सेकंड और थर्ड फॉर्म है जो कि सेम है, और जो लाई लेटना होता है उसकी सेकंड फॉर्म ले होती है और थर्ड फॉर्म लेन होती है। और अगर हम हैंग की बात करें तो इसके भी दो अर्थ होते हैं, किसी वस्तु को लटकाना, किसी व्यक्ति को लटकाना। वस्तु को लटकाने की बात होगी तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी हंग हंग, और जो व्यक्ति की बात होगी तो हैंग्ड हैंग्ड का प्रयोग होगा। और पार्टिसिपल में हम पढ़ते हैं कि पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म होता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हैविंग आ रहा है तो निश्चित रूप से क्या आना चाहिए था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये इसमें इस टाइप की एरर है। चलिए कुछ और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, He had better read than to write a book. तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए क्या एरर हो सकती है, आपको सोचना है। He had better read than to write a book. यहां पर क्या मिस्टेक हो सकती है? अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर आ रहा है had better, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हैड बेटर आ जाए किसी सेंटेंस में, हैड बेटर आ जाए या उसी सेंटेंस में वुड रेदर आ जाए, वुड रेदर आ जाए, या सेंटेंस में बट आ जाए, या लेट या एक्सेप्ट, इस टाइप के अगर वर्ड सेंटेंस में दिखते हैं तो स्टूडेंट्स इनके बाद बेर इन्फिनिटिव यानी कि ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। अगर आपने ऐसे सेंटेंस में 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया तो ये गलत माना जाता है। यहां पर हमने देखा हैड बेटर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो देखा रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट जब हम आगे पहुंचे तो यहां पर तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, देना क्या चाहिए था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट यहां पर 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, यहां पर इस 2 का कोई रोल नहीं है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो ही हैड बेटर रीड देन राइट ए बुक, तो यहां पर टू राइट का प्रयोग ना करके हम ओनली राइट का प्रयोग करेंगे तब ये सेंटेंस सही होगा। इसका मतलब इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हुई, इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर, यहां पर आंसर सी है, कोई गलती नहीं होती इस सेंटेंस में, तो आंसर हमारा क्या होता, डी होता। चलिए स्टूडेंट्स अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है ही डज नथिंग बट टू लाफ एट अदर्स, वह कुछ नहीं करता बस दूसरों पर हंसता रहता है। तो यहां पर भी इस सेंटेंस से रिलेटेड भी जो रूल है मैं आपको बता चुका हूं, आप देखिए कि क्या बन सकता है। यहां देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आ रहा है बट, ये रहा बट, मैंने भी बताया आपको कि बट होता है तो क्या आना चाहिए था बाद में फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म तो ये रही, बट ये टू का क्या रोल है, टू का कोई रोल नहीं है। पर बट के संबंध में एक बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में बट आता है और बट से पहले अगर सेंटेंस में डू डस या डिड आता है, इनमें से कोई भी, ये प्राइमरी वर्ब कहलाती हैं, डू डज और डिड, अगर ये आ जाती हैं जब तो बट के बाद किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का। जैसे ये रहा बट से पहले क्या आ रहा है, डज है ना, डू डज और डिड, इनमें से कुछ भी आए तो बट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अगर डू डज और डिड नहीं आए, बट से पहले अदर कोई मेन वर्ब आ जाती है, अदर वर्ब आ जाती है कोई भी मेन वर्ब, खाना पीना रोना सोना धोना कोई भी, तो फिर बट के बाद आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात को समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन है ही नीड्स, जैसे ये रहा नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये रहा बट, बट है, बट से पहले डू डज और डिड ना होकर यहां पर क्या है, नीड्स, अदर मेन वर्ब आ गई,
तो बट से पहले जब डू डज और डिड होता है जब तो अपने क्या लगाते हैं ओनली फर्स्ट फॉर्म। अगर बट से पहले अदर कोई मेन वर्ब होती है तो हम क्या लगाते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो ये रही फर्स्ट फॉर्म और ये रहा टू। इसका मतलब बट से पहले यहां पर अदर कोई मेन वर्ब होने की वजह से बट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है और हमारा आंसर यहाँ क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यह आंसर बनेगा डी। और जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें गलती कहां आ रही थी, ये बी पार्ट में आ रही थी इसमें टू। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा, यहां पर आंसर बनेगा बी। ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें तो हेड बेटर आ रहा था तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, सी पार्ट में एरर थी तो आंसर था सी। यहाँ वाला रूल है बट से पहले डू डज या डिड होता है तो बट के बाद ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है तो इस टू का कोई रूल नहीं, आंसर बी। और बट से पहले इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो अदर कोई मेन वर्ब आ रही है तो फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा और हो रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आंसर क्या बनता है डी। तो स्टूडेंट्स ये 6 क्वेश्चन हो गए, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आप जरूर लगाएं। आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन, She refused that she would teach him. उसने उसको पढ़ाने से मना कर दिया। तो बताइए यहां पर क्या गलती होगी। She refused that she should teach him. तो स्टूडेंट देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है refused. Refuse अगले सेंटेंस में देखेंगे तो promised. इसमें क्या होता है कि यहां पर दैट शी शुड टीच हिम ये सब कुछ आ रहा है ना, शी रिफ्यूज्ड, तो इस पूरे दैट क्लोज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ओनली यहां पर हो जाएगा टू, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म बनना चाहिए, शी रिफ्यूज्ड टू टीच हिम, बस इतना ही होना चाहिए। क्या सही सेंटेंस क्या होगा, शी रिफ्यूज्ड टू टीच him, she refused to teach him. तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहां पर ये सेंटेंस बस ऐसे होगा she refused to teach him. तो गलती कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में, ये she that she should ये ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग refused के बाद ऐसे हो सकता है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हुई, इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर हुई। फिर अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, आप देखें क्या एरर हो सकती है। ही प्रोमिस्ड मी दैट ही मस्ट गिव मी ए पेन, पढ़िए आप पहले, आप सोचो क्या एरर हो सकती है। तो स्टूडेंट सेम ही क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, प्रोमिस्ड आ रहा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होना चाहिए था, तो यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। ही प्रोमिस्ड To give me, इस सब को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर to, और to के बाद ये क्या है first form, तो ये sentence क्या बनेगा, he promised to give me a pen, he promised me, sorry me भी आएगा यहाँ पर, यहाँ पर me भी आएगा, he promised me to give me a pen, तो that he must या जैसे that he should इस टाइप के जो वर्ड हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पर भी, promised हो या refused, इनके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का सीधा प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस के भी कौन से पार्ट में एरर हुई स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के भी बी पार्ट में एरर हुई। फिर अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, आप देखो पढ़ो बताओ आंसर क्या हो सकता है। यहां पर ये क्वेश्चन जो सेवंथ और एट थे, एट से अलग है वो इसकी वजह से है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में शो वर्ब के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, नो एक्सप्लेन टीच टेल ये वर्ब आ जाए और इनके बाद यहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो
तो यहां पर स्टूडेंट्स हाउ का प्रयोग किया जाना चाहिए, हाउ। तो जैसे ये एक इसको तो हम बाद में देखते हैं नौवे को, पहले मैं एक सेंटेंस दिखाता हूं आपको कि एक्सप्लेन मी हाउ टू सॉल्व दिस सम। ये क्वेश्चन है, तो देखो यहां पर एक्सप्लेन आ रहा है और ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पहले हमने क्या लिखा, हाउ। ऐसे यहां पर ये नो की ही सेकेंड फॉर्म है न्यू, और इसके बाद में क्या आ रहा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी यहां पर अपने बात कर चुके हैं ना कि शो, नो, एक्सप्लेन, टीच, टेल, इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, तो उससे पहले क्या होना चाहिए था, हाउ। तो यहां पर मिस्टेक ये है कि हाउ होना चाहिए था, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू हाउ टू प्ले द हारमोनियम। तो यहां पर न्यू के बाद ये नो की ही सेकेंड फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म है नो, न्यू, नॉन, थर्ड फॉर्म होती है नॉन। तो यहां पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का जो यूज हो रहा है ना, उससे पहले क्या होगा, हाउ का यूज किया जाना चाहिए। इसका मतलब यहां सेंटेंस में सी पार्ट में एरर है और हमारा आंसर भी सी है। याद रखना ये वाली जो वर्ब है इनके बाद अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा तो फिर उससे पहले हाउ का यूज होगा, जैसे ये रहा, जैसे शो, नो, एक्सप्लेन, टीच, टेल, ये सब। तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर होती है, इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर ही है, एरर है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो टू प्ले है उससे पहले सेंटेंस में क्या होना चाहिए था, हाउ का यूज किया जाना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं एक सेंटेंस और दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि शो मी how to work this machine, how to work this machine। अब देखो यहां पर शो आ रहा है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पहले क्या होगा, हाउ। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क का निशान भी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है टेंथ नंबर, आई हैड बेटर गोन देन स्टे हियर, I had better gone than stay here। तो स्टूडेंट्स पीछे अगर चलकर आप देखोगे तो आपने एक रूल पढ़ा था, ये रहा हैड बेटर, आपने ये रूल पढ़ा था, हैड बेटर आ रहा था यहाँ पर कि हैड बेटर आ जाए, वुड रेदर आ जाए, बट आ जाए, लेट आ जाए, एक्सपेक्ट आ जाए, तो इसके बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस में भी तो हैड बेटर ही आ रहा है, यहां देखिए, या फिर आपने देखा कि यहां पर सेंटेंस में क्या आ रहा है, हैड बेटर, हैड बेटर आया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे तो ठीक पड़ी है, बट ये तो थर्ड फॉर्म है, यहां पर इस वर्ब का कोई रोल नहीं है, यहां पर क्या होना चाहिए था, गो। आई हैड बेटर गो देन स्टे हियर, यानी कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, गोन का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर किसका प्रयोग होगा, गो का प्रयोग होगा, क्योंकि हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा आंसर क्या बना, यहां पर हमारा आंसर बना कौन से पार्ट में गलती है, देखो बी पार्ट में, तो यहां बी पार्ट में एरर मानी जाएगी। तो उम्मीद है, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ये वर्ब से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं का एक कलेक्शन तैयार करके मैं आपको आज ये वर्ब के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। चलिए देखें अगले कुछ क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि इट इज बेटर टू स्टे होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट विदाउट ऑफ मास्क। तो वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है, मास्क के बिना बाहर निकलना तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इट इज बेटर टू स्टे एट होम, ये बहुत अच्छा होगा कि आप घर पर रहें, टू वॉक इन द स्ट्रीट विदाउट ऑफ मास्क, बिना मास्क के गलियों में डोलने से अच्छा है, घूमने से अच्छा है कि आप घर पे ही रहें। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वर्तमान की कंडीशन को देखते हुए, वर्ल्ड की जो कंडीशन चल रही है कोरोना के कारण, उसकी दृष्टि से ये लिखा गया है सेंटेंस। अब आप देखो कि इसमें क्या एरर हो सकता है।
तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो बेटर लिखा है ना, इसका अर्थ आपको हेड बेटर ही समझना है। इसका अर्थ क्या समझना है आपको? हेड बेटर। और हेड बेटर के बाद किसका प्रयोग होता है? हेड बेटर के बाद किसका प्रयोग होता है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म? यहां पर ये कह रहा है इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट विदाउट ऑफ मास्क। तो यहां पर गलती से हुआ है ये, इट इज बेटर। ये यहां पर भी टू का प्रयोग नहीं होगा और यहां पर भी टू का प्रयोग नहीं होगा। दोनों जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, क्योंकि हेड बेटर पीछे जाके आप देखो, जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, जैसे ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, हेड बेटर। हेड बेटर के बाद यहाँ पे दो वर्ब दे रखे हैं, रीड और राइट। और रीड के साथ तो टू था नहीं, और जो टू के साथ राइट के साथ टू था वो आएगा नहीं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है हेड बेटर के बाद। ऐसी ऐसा ही बिल्कुल सेंटेंस ये है जिसकी हम अब बात कर रहे हैं, बट ये बाई मिस्टेक लग गया, क्योंकि सेंटेंस के दो पार्ट में एरर कभी नहीं पूछी जाती, बट ये गलती से लगा है यहाँ। ठीक है, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो यहां पर जो है टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वैसे यहां पर भी टू का प्रयोग, ये तो मैं लगाना नहीं चाह रहा था, लिख दिया, बस इसको हटा दो आप। इट इज बेटर स्टे एट होम देन टू वॉक इन द स्ट्रीट विदाउट ऑफ मास्क। तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, इसका मतलब इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है यहाँ पर। ठीक है, तो कई बार हेड बेटर ना देके सिर्फ बेटर दे देता है, तो उससे भी आपको समझना है कि ये हेड बेटर की ही बात कर रहा है, और अपने को इसके बाद ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना, चाहे कितनी बार ही वर्ब दे। यहां पर जैसे दो बार दी है, कई बार क्वेश्चन में एक बार देता है, कितनी बार भी दे, बट अपने को यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू शुड रीच देयर बिफोर सनराइज। आराम से पढ़ें इस सेंटेंस को और देखें कि क्या एरर हो सकती है यहां पर। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू शुड रीच देयर बिफोर सनराइज। देखो स्टूडेंट्स होता क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कुछ। इस सेंटेंस में क्या गलती है मैं उसकी बात करने वाला हूं, कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनको हम शर्त वाले वाक्य कहते हैं, इसकी एक कंडीशन में ये लिखा जाता है कि अगर सेंटेंस का इफ क्लोज है, क्लोज उपवाक्य को कहा जाता है, और एक मेन क्लोज होता है, मेन क्लोज। ठीक है, अगर यहां पर सेकंड फॉर्म होती है ना इफ के साथ, तो इधर जो होता है वुड या कुड या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और अगर यहाँ इफ क्लोज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तब यहां पर क्या हो जाता है, ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, या कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस की बात करें तो यहां पर इफ दे रखा है और वर्ब को क्या माना जाता है, सेकंड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगले पार्ट में इफ यू यू वर स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग, यहां तक जो है ना ये क्वेश्चन, ये पार्ट इस सेंटेंस का इफ क्लोज है, और इफ क्लोज में क्या दे रखा है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, और अगला पार्ट यहां से शुरू होता है, यू शुड रीच देयर बिफोर सनराइज, ये इसका मेन क्लोज है। अगर हम क्लोज की बात करें तो यहां पर इफ आ रहा है ना, तो ये इफ क्लोज है इसका। ठीक है, और यहां से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोलेंगे मेन क्लोज। ठीक है, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो अगले पार्ट में क्या आना चाहिए था, वुड कुड माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, बट ये तो क्या दे रहा है, शुड। शुड तो होगा नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए था, वुड। वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, बट शुड नहीं होता। तो इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग यू वुड रीच देयर बिफोर सनराइज। तो इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो रही है, सी पार्ट में। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सी। और अगर यहां पर वर की जगह हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता, ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म होता है इस वाले पार्ट में, तो अगले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाना चाहिए था।
फिर ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, ये वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहां पर किया जाता है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 13 क्वेश्चन। इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव द प्लान यू शुड गिव इट अप। इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव, देखिए इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो सकती है। ऐसा ही क्वेश्चन है, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड ही है। यहां पर हमने देखा कि इफ क्लोज में क्या आ रहा है, इफ क्लोज में आ रहा है डिसअप्रूव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है इफ वाले पार्ट में, इफ वाले पार्ट में, तो मेन क्लोज में क्या आता है, मेन क्लोज में क्या आता है स्टूडेंट्स, मेन क्लोज में तीन चीजें हो सकती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस यस और विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म और या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इफ क्लोज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ द प्लान, तो यहां पर ये कह रहा है यू शुड गिव इट अप। तो यहां पर शुड का प्रयोग ना करके हम क्या कर सकते हैं, विल का प्रयोग कर सकते हैं, यू विल गिव इट अप, और यू अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं यहां पर। और जो मॉडर्न इंग्लिश है वो ये कहती है, मॉडर्न इंग्लिश के तहत एक रूल है कि जब आप को कोई बड़ा पेरेंट्स टीचर कोई भी सलाह देता है किसी टाइप की या ऐसा कोई काम जिसे वो मना करते हैं, ऐसे काम को ना करने के लिए अगर कहा जाता है तो अगले पार्ट में चाहिए का अर्थ आना चाहिए, और चाहिए का अर्थ आना चाहिए इसका मतलब वहां पर आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ऐसे कहा जाता है तो ये शुड का प्रयोग भी सही होता है। तो ये क्वेश्चन एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और वहां पर इसको शुड को सही माना गया है और मॉडर्न इंग्लिश के तहत इसका अर्थ भी सही आ रहा है, तो इसलिए हम भी इस सेंटेंस में नो एरर मानते हैं कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, यहाँ शुड का प्रयोग सही है। इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो ई होगा, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दे ओट हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्व्स। यहां पर सेंटेंस में स्टूडेंट्स क्या गलती है देखें आप। ओट, मैंने आपको मॉडल बताया था जब पिछली क्लास में कि ओट टू का यूज कब होता है, एक तो ओट टू जो होता है ये मॉरल ड्यूटी को बताने के लिए आता है स्टूडेंट्स। कौन सी ड्यूटी को बताने के लिए आता है, मॉरल ड्यूटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि ये नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए आता है। बट यहाँ पर enjoying themselves ये कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, they have been enjoying themselves, तो यहाँ पर ought की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं must, they must have been enjoying themselves, क्योंकि ought तो नैतिक कर्तव्य को बता रहा है, तो नैतिक कर्तव्य की इस सेंटेंस में कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम must have been enjoying themselves का प्रयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अगले क्वेश्चंस। put up a fence so that the neighbors could not overlook us. Students, यहाँ पर जो ये वर्ड है ना फेंस, इसको फेंसिंग कहा जाता है, मतलब बाड़ा या तारबंदी, जिसको हम कहते हैं तारबंदी या चार दीवारी करना, फेंसिंग करना, जैसे कोई बॉर्डर होता है तो यहाँ फेंसिंग होती है, ऐसे तारबंदी को ही कहा जाता है मेन रूप से। वी पुट अप अ फेंस सो दैट द नेबर्स कुड नॉट ओवरलुक अस, हमें तारबंदी करनी है, तारबंदी करते हैं ताकि जो पड़ोसी हैं वो ओवरलुक ना कर सके हमें। तो इस सेंटेंस में 15 क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है वो पहले दिमाग लगाओ आप, फिर मैं बताता हूं। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है भी नहीं यहाँ पर। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है थोड़ा थोड़ा कंजेक्शन से रिलेटेड भी है। देखो स्टूडेंट, सो दैट जिसका हिंदी अर्थ होता है ताकि, एक रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में सो दैट आ जाए, सो दैट आ जाए, या फिर सेंटेंस में इन ऑर्डर
दैट आ जाए। दोनों का एक ही अर्थ होता है, सो दैट या इन ऑर्डर दैट, जिसका हिंदी अर्थ होता है ताकि। अब रूल ये कहता है कि अगर इनसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस हो तो इनके बाद जो है मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। सो दैट और इन ऑर्डर दैट से पहले अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ईएस है तो किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? मे का। बट जरूरी नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस का प्रयोग हो, कभी कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है इससे पहले, तब हमें इसके बाद किसका यूज करना चाहिए? इसके बाद माइट का यूज करना चाहिए। तो यहां पर सो दैट से पहले हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है फेंस, तो आगे जो सेंटेंस होगा उसमें किसका प्रयोग होना चाहिए था? यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है तो यहां पर क्या होगा? मे का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये सेकेंड फॉर्म होती तो हम यहां पर माइट का प्रयोग करते। We put up a fence so that the neighbors could not overlook us. तो यहाँ पर may का प्रयोग होगा students। क्यों होगा? क्योंकि first form है, second form होती तो हम might का प्रयोग करते। अन्य किसी model का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता, could, would, should किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। तो इस sentence के कौन से part में error है? इस sentence के C part में error है। तो students हमारा answer भी क्या है? C है। अगले question पे आते हैं। People are Not as careful as they must be and drop their litter in the streets. तो students पहले तो ये litter देख लो। Litter का अर्थ क्या होता है students? इसका अर्थ होता है कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा जो होता है वो litter का अर्थ होता है। तो ये कह रहा है people are not as careful as they must be and drop their litter in the streets. तो इस 16 क्वेश्चन में क्या एरर हो सकता है देखिए आप। ठीक है, यहां पर एक सलाह की बात हो रही है, यहां पर एक सलाह की बात हो रही है, और सलाह के लिए यानी कि सजेशन के लिए शुड का यूज जो होता है ना वो बेस्ट माना जाता है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड नॉट टेल अ लाई, और यू शुड स्पीक ट्रूथ, इस टाइप की सलाह या सजेशन देने की बात होती है तो फिर हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहां पर जो मस्ट दे रखा है इसकी जगह हम अगर शुड का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही होगा। तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है कि मस्ट नहीं यहां पर शुड का प्रयोग होगा। तो आंसर क्या बनता है स्टूडेंट्स? आंसर बनता है सी। ओके, तो 15 क्वेश्चन की बात करें तो कुड नहीं होगा, मे क्यों? सो दैट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो मे आएगा, अगर सेकंड फॉर्म होती तो माइट का प्रयोग होता। इस सेंटेंस में एक सजेशन की बात हो रही है तो यहां पर मस्ट का प्रयोग ना होकर शुड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच हेल्दियर। इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच हेल्दियर, तो ऐसा सेंटेंस पीछे में आपको करवा चुका हूं। तो देखो यहां पर क्या होगा, कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इफ आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो आगे क्या आना चाहिए वो आप देखिए, बताओ। क्या एरर हो सकती है इस सेंटेंस में? देखो यहां पर इफ के साथ आ रही है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो जब कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है तो जो मेन क्लोज होता है, मैंने आपको पीछे भी बताया है, तो मेन क्लोज में क्या हो सकता है? वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, बट शुड नहीं हो सकता। तो यहां पर कुड भी है, इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड बी मच हेल्दियर, तो यहां पर कुड का प्रयोग हो रहा है और ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग हो रहा है। इफ आई लिव्ड इन द कंट्री साइड आई कुड मच बी का प्रयोग नहीं होगा स्टूडेंट्स, बी का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है आगे, तो यहां पर इस बी का प्रयोग नहीं होगा, बाकी कुड का प्रयोग सही है। तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? सी, क्योंकि मॉडल बी लिखते हो तो फिर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, इसलिए इस क्वेश्चन के सी पार्ट में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन द पब्लिशर इज नॉट बिजी ही यूजेस टू टॉक द राइटर्स। जब पब्लिशर बिजी नहीं होता है तो वो राइटर से बात करता है,
तो स्टूडेंट्स यहां पर ना प्रेजेंट हैबिट की बात हो रही है, और प्रेजेंट की हैबिट की बात होती है तो हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, यूज या किसी मॉडल लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो टाक नहीं होगा यहां पर, क्या होगा? टाक्स, क्योंकि जो प्रेजेंट की हैबिट होती है, प्रेजेंट की जो हैबिट होती है वो सिंपल प्रेजेंट में हम बता सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर टास्क का प्रयोग होगा ऑप्शन नंबर सी, और 18वें का आंसर हमारा बनता है सी। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, द नेक्स्ट जनरेशन कैन फ्लाई टू टीच टू ओके द नेक्स्ट जनरेशन कैन फ्लाई टू द मून फॉर देयर हॉलीडेज। द नेक्स्ट जनरेशन कैन फ्लाई टू द मून फॉर देयर हॉलीडेज। क्या एरर हो सकती है स्टूडेंट्स? थोड़ा दिमाग लगाएं और बताएं। ठीक है, बात नेक्स्ट जनरेशन की हो रही है, यानी कि बात फ्यूचर की हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन इट मींस बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की हो रही है। तो यहां कह रहा है ना द नेक्स्ट जनरेशन कैन फ्लाई, कैन फ्लाई का ना यूज करते हुए हम ऐसे लिखेंगे विल बी एबल टू द मून फॉर देयर हॉलीडेज, क्योंकि बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। ओके तो यहां पर सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर होती है? यहां पर एरर है स्टूडेंट्स बी पार्ट में। फिर ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वांटेड टू, ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो इस 20वें क्वेश्चन में क्या एरर होगी देखें। स्टूडेंट आपने ध्यान दिया हो तो देखो यहां पर राइट लिख रहा है और यहां पर वांटेड लिख रहा है। तो यहां पर वांटेड है इफ पार्ट है। इफ पार्ट में क्या आ रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। उल्टा कर दिया है इसने कंडीशनल सेंटेंस वाले इफ क्लोज को बाद में कर दिया है और मेन क्लोज को पहले। इफ क्लोज और मेन क्लोज की बात करें अपने, इफ क्लोज में सेकंड फॉर्म होती है तो इस वाले पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है, पहले भी हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, और माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। तो इसने क्या किया, इफ ही वांटेड इस इफ वाले पार्ट को बाद में कर दिया और मेन क्लोज को पहले कर दिया। अब हमें पता है इफ के साथ सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या होना चाहिए था? वुड कुड माइट ये होना चाहिए था ना। तो कैन क्यों लिखे हम यहाँ पर? कुड प्लस और राइट प्लस, राइट तो है ही फर्स्ट फॉर्म, तो कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर हो गई? ए पार्ट में एरर हो, क्योंकि इफ को हम बेस बना रहे हैं तो इफ में वर्ब की सेकंड, इफ वाले पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म तीनों ही सही है, तो कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म सही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस में जो एरर है वो ए पार्ट में है। तो स्टूडेंट्स मैं टीसी ना गया, वर्ब से रिलेटेड मैंने पीछे भी आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के भी थे और एरर के भी थे, और यहाँ पर भी मैंने कुछ एरर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आप किसी भी एनडीए एयरफोर्स नेवी की जो भी एग्जाम दोगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। ये 20 क्वेश्चन इससे पहले जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मैसेज कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चन को पूरी विस्तार से एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा। नमस्कार।